तो सारे भाई राम राम, एक बार फिर स्वागत है भाई आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू वाली में। तो एक प्रॉब्लम थी जो सभी ने फेस करनी पड़ रही थी, किसानों की पेमेंट नहीं हो रही थी। और किस वजह से नहीं हो रही थी, कोई भी एजेंसी पेमेंट नहीं कर रही थी क्योंकि आढ़ती का खाता में कोई पैसा नहीं था। इस वजह से आढ़ती आगे जमींदार को नहीं दे पा रहा था। तो इसे बात का निरोल करने वास्ते मेरे साथ में जो इंस्पेक्टर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर सुरेश बुरा जी हैं, उन तक जानने की कोशिश करेंगे कि भाई के कारण रहे हैं जिस वजह से पेमेंट नहीं आ रही है खात्या में। और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं तो जो इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर रहे होंगे मजबूरन। तो कर लिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जो आढ़ती खाता में पेमेंट आनी थी, क्योंकि माल तो लगभग मेरे हिसाब से 50-60% तो गोदाम में पहुंच चुका था जी, तो उसके बावजूद भी 24 तारीख की सबसे पहली परचेज मान के चलांगे आपा, जो आढ़ती के थ्रू हुई है। उससे पहले 20 या 21 तारीख की थी जो सीधी खरीद करी थी गवर्नमेंट ने, तो अभी तक खत्म पीछे नहीं आए हैं किसान। इस बारे में काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, तो उसका पाछा के कारण है जी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। कारण ये है जी, इसमें एक दो दिन सात की छुट्टी थी, फिर 9 तारीख की बैठक की छुट्टी थी, जिस कारण से ये आज फार्म दे फार्म के पास पहुँचाए गए। उन्होंने इस बात के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, अब इनके एक दो दिन में पेमेंट हो जाएगी। तो जो सुरेश बुरा जी रीज़न बता रहे हैं, आईजे फार्म जो पंचायत के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी, तो डिपार्टमेंट के पास में जो गए थे वो ई पोर्टल के थ्रू गए थे। तो कह रहे हैं कि जो बीच में छुट्टियां होने की वजह था, और बजट का भी कुछ था, बजट एक दो दिन जो बजट था, क्योंकि जब तक बजट नहीं होगा तो बिना बजट के पेमेंट नहीं हो सकती। 22 तक तो 22 तक का बजट था, 22 तक का बजट नागे बराबर ही मान के चलाएं, क्योंकि जो खरीद हुई थी बहुत थोड़ी हुई थी, मोस्टली खरीद जितनी भी हुई है 24 के बाद में ही हुई है। तो उसके बाद में छुट्टी कह रहे हैं, और अब एक या दो दिन में कह रहे हैं कि भाई खाते में पेमेंट आ जाएगी, उसके बाद में जमींदारों को पेमेंट कर दी जाएगी। सोमवार को पेमेंट 24 और 25 तारीख की जो परचेज की पेमेंट है वो सोमवार को कह रहे हैं कि खाते में डाल दी जाएगी। उसके बाद में आढ़ती ई पोर्टल पर अपना फॉर्म अप्लाई करके ने जमींदार के खाते में डाल सके है, तो ऐसा सुरेश बुरा जी कह रहे हैं। और अपनी और भी कुछ बात हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखियो, ताकि हम जानकारी ले सका और इस बारे में आप तक जानकारी दे सका। कोई भी बात है कमेंट बॉक्स में लिख दियो। मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।